इसमें कर दिए। जो कमांड बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ही ज्यादा। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, हम बनाने जा रहे हैं एक स्टिकर जो आरएस के लिए होगा, रुपीस के लिए होगा, ठीक है। अब इसका जो हाइट और वेथ है 190 बाई 178, मान लो ऐसा समथिंग 278, ठीक है, 190 बाई 278, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद एक हम लेवल बनाते हैं कि मेरा लेवल इस साइज का होगा, और उसको हम सेटिंग कर लेते हैं, मान लीजिए इसका कॉर्नर राउंड कर लेते हैं, एक सिंपल रेक्टेंगल बनाया, कॉर्नर राउंड कर दिया, ठीक है, 35 बाई 15 का मान लो, ठीक है। और इसका हम करते हैं डुप्लीकेट, सॉरी कंट्रोल सी, भी डुप्लीकेट बना लिया, और 35 की जगह हम कर देते हैं, 35 की जगह हम कर देते हैं 30, ठीक है, तो 5 कम हुआ तो 2.5 यहाँ कम होगा, 12.5, ओके। दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल ई में गए, मिडिल सेंटर कर दिया, बीचों बीच आ जाएगा, ये आ गया बीचों बीच, ठीक है, वो थोड़ा गड़बड़ है, हाँ छोटा हटाओ इसको, हम नहीं कर रहे कुछ भी नहीं, मेरे पास तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हम फील कर देते हैं एक कलर, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर फील कर दिया, ठीक है ना, ब्लैक कलर फील कर दिया, टेक्स्ट लेते हैं और आरएस लिखते हैं, आरएस ओके, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक भी कर देते हैं और डैश लगा देते हैं ऐसा, और इसको लेके जाते हैं यहाँ पे, हैंगर को करते हैं छोटा, और इसको पता है ना आपको रिवर्स करना याद है, सिलेक्ट किया R4 रिवर्स, ये तो वाइट हो जाएगा, तो अब ये हमारा बन गया एक आरएस के लिए स्टिकर, शिफ्ट कंट्रोल ई में चले जाते हैं और बोलते हैं मिडिल सेंटर ओके, ये काम हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब इसको हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक, कोई इशू, ठीक है। अब हमारा इसका साइज जो है वो है 35 बाई 15, और इसका साइज जो है वो है 190, ठीक है, और इसका है, ऐसे में हम लोग बात करते हैं, वेथ में बात करते हैं, पहले वेथ में कितना लगेगा फिर हाइट में बात करेंगे, तो ये 135 और ये है 190, ठीक है ना। मेरे पास बड़ा साइज है 190, ठीक है, नहीं, और छोटा वाला साइज है 35, यही है ना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं
तो कितने साइज हमारे बनेंगे? 35 का डबल करते तो 70, ठीक है ठीक है। और 70 का 70 70 140, और 70 नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, 70 70 140, और फिर 35 कितना हुआ? हाँ 70 70 140 और फिर 35, 175 ये ना हुआ, ठीक है। यानी कि टोटल कितने हो गए? 5 नहीं हुए, 5 नहीं हुए, हो गया ना। बचा मेरे पास कितना? 15, 15 बचा, 15 बचा कि नहीं बचा? देखिए 35 गुने 5 अगर हम करते हैं, अगर हम 5 ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो मेरे पास हो गया 5 25 25 के 5, हाथ में 2, यही ना, और 5 3 15 और 2 17, यानी 175। अब अगर हम 190 में से 175 को माइनस करें, ठीक है, 190 माइनस 175, तो मेरे पास कितना बचा? 15, ठीक है। ये मेरा गैप बन गया, गैप के लिए मार्जिन बन गया ना। अब 15 भागा कितना? 6, नहीं, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट है और एक हमको एक्स्ट्रा ले रहा है, तो अब कितना हुआ? 6 दुना 12, 2.5, यानी कि हर गैप के लिए हमको मिला 2.5। यहां तक समझ में आया आपको? टोटल हमको ऑब्जेक्ट कितने लगाने हैं? 5, और सभी में गैप देना है 2.5 का। ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कम है, तो फिर 4 लगाएंगे तो फिर गैप ज्यादा बनेगा, बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो 4 नहीं लगाते हैं, 5 ही लगाते हैं, ठीक है। यहां तक कोई इशू नहीं? ठीक। यहां लेके आ गए 2 3 4 5, ओके, सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल ई में गए, ठीक है। अब हमको गैप किधर से देना है? ई वाला देना है ना, इसको ऑन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना बोलेंगे? ये पहले नीचे वाला होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए ना, ऊपर होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, नीचे का होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट फिक्स अमाउंट ना। यहाँ पे हम डालेंगे 2.5, ठीक है। और यहां से कहेंगे टॉप अलाइन, कौन सा अलाइन? ऊपर से बराबर हो, ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक? और हम कहेंगे ओके। तो देखिए आपका काम हो गया, हो गया नहीं हो गया? कंट्रोल जी फॉर ग्रुप हो गया। अब इसको हम लेके थोड़ा सा यहां पे आ जाते हैं, ओके। यहां तो कोई इशू नहीं ना, ठीक है। अब इसका हाइट कितना है? 15 है, और इसका हाइट कितना है? 278, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं, फिर से वही काम करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी तो हम लोग वेथ में काम किए ना, अब हाइट में काम करते हैं। 278 डिवाइड बाई 15, डायरेक्ट 15 से भाग देते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना बनेगा। लगभग 18 53, ठीक है। ऐसे हम लोग एक एवरेज निकाल रहे हैं कि 18 साढ़े 18 होना चाहिए,
तो हमें काम करते हैं 17 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना, कि 17 गुना 15 कितना होता है, 255, ठीक है, 17 पीस ना, 255। अब एक काम करते हैं, 278 माइनस 255 इक्वल टू 23, ठीक है, और 23 भागा कितना, 18, 17 ऑब्जेक्ट था तो 23 भागा 18, भागा करके देखते हैं। नहीं समझ में आया, कैसे कैसे कर दिए, 1.27 आ रहा है, ये बहुत ही कम हो जाएगा, तो हम 16 ऑब्जेक्ट लेते हैं। पहले हम लोग, हम देखो क्या क्या किए, फिर से प्रोसेस में आते हैं। इसका साइज कितना है, 278, और हमारा इसका साइज कितना है, 15, ठीक है। तो हमने कहा 278, डायरेक्ट हम भाग दे देते हैं 15 से, तो हमको ये पता चलेगा कि इसमें कितना ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है, करेक्ट या नहीं, तो कितना ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है, 18.5 ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम 16 ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, कि हम 16 अगर लगाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, कितना कितना गैप चला जाएगा, 18 लेंगे तो फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो गैप बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना, अभी हम 17 से लिए तो 1 पॉइंट समथिंग गैप आ रहा है ना, हमको कम से कम 2 या 2 से ऊपर चाहिए गैप, जिससे कि ये वाला, यहां से ये वाला जो मार्जिन दिया है उसके साथ इक्वल हो जाए। तो हम 16 ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, 16 गुना 15 225, अच्छा 225 आ गया। अब हम इसको 278 माइनस 225, यही था ना, ओ सॉरी 278 माइनस 225, यही था ना, तो 53 आया, और भागा देंगे इसको कितने से, 17 से, 16 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, तो 17 से भागा देंगे, भागा 17, तो ये देखिए 3.11 आया समथिंग, तो ये चलेगा, ठीक है, 3.11, और हमको ऑब्जेक्ट कितने चाहिए, 16 चाहिए, क्लियर हो, 3.11 याद रखिएगा। एक ज्यादा, ओके, अब इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, कितने टाइम चाहिए, एक है तो 15 हमको और चाहिए, हो गया 15 बार हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, सेलेक्ट शिफ्ट कंट्रोल ई, इस बार हमको ऐसे में नहीं चाहिए, हमको इस बार चाहिए यहां, तो इसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक है, और यहां पे कितना निकल के आया था हमारा, 3.11, ठीक है, और हम इसको कैसे बोलेंगे, इधर से बोलेंगे बराबर, लेफ्ट से बराबर हो, एक में हमने कहा टॉप से बराबर हो, एक में हम कहेंगे लेफ्ट से बराबर हो, क्लियर है, और कहते हैं ओके, तो ये देखिए आपका बन गया एक 3.11। अब देखिए आसानी से ये काम हो गया, गैप भी इसके अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसा बनाना है आपको, कहीं कम और कहीं ज्यादा गैप नहीं करना है, ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट में एक किस चीज को बनाना, स्टिकर को बनाना, बहुत ही आसान सा काम था, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं, अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपसे ये वाला काम भी आसानी से हो जाएगा। फिर से बताएं।
हमारा गैप हमको पता है ना 3.11 होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट कितने हमको डुप्लीकेट करने हैं, कितने डुप्लीकेट करने हैं, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक पहले से था तो 16 हो गया ना, 15 ही रखना था, 15 तो ठीक है, एक हटा देते हैं, सेलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल ई में गए। अब ये देखिए ना, ये वाला तो नहीं चाहिए ना हमको, इधर से तो नहीं करना, अब हमको इधर से करना, ऊपर नीचे वाला काम करना है, तो ये वाला लेंगे, यहाँ पे हमने 3.11 डाल दिया, ओके। उसके बाद हमने कहा लेफ्ट से बराबर कर देना, ठीक है। अभी देखो ऑब्जेक्ट इधर दाएं बाएं भागा हुआ है ना, तो लेफ्ट से बराबर करना था, और हमने कहा ओके, तो ये काम ऑटोमेटिक उसने, तो एक और चाहिए था हमको। चलिए बराबर समझ में आ गया आप लोगों को, कोई इशू यहाँ तक हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर ये काम हो जाएगा तो फिर आप आसानी से इस वाले काम को भी कर लोगे, ठीक है। इसमें क्या चाहिए था, यहां से मार्जिन उठाना था, यहां तक का मार्जिन देखना था, मतलब साइज देखना था कि कितना साइज है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है, हाँ एक ज्यादा होना चाहिए, नहीं हमने पहले वाले में गैप कितना रखा था, 2 point something, ठीक है, तो दूसरा नहीं, टू पॉइंट फाइव था, दाएं से बाएं वाले गैप में हमने 2.5 रखा है, ठीक है, तो समथिंग उसी के आसपास में हम लोग ऊपर से नीचे वाले गैप को भी रखेंगे, तो 3 हो सकता है, 3.25 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, लेकिन अगर 2.5 रखा और 1 रखेंगे तो गड़बड़ अच्छा दिखेगा नहीं ना, और अगर आपने 2.5 रखा और 5 रखोगे तो भी अच्छा नहीं दिखेगा, समझ में आ रही बात। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि जो गैप बना रहे हैं हम, वो गैप कुछ कुछ समथिंग होना चाहिए। अभी देखो ये गैप और ये गैप, आप इस गैप को देखो ये 2.5 है, और इस गैप को देखोगे तो ये 3.11 है, आसपास में है। अगर इसमें कोई 5 हो जाता और कोई 2.5 रहता तो अच्छा नहीं लगता, तो ये आपको देखना है, आपको खुद से समझना है कि कितना गैप हम बना कर रखे, कितना ऑब्जेक्ट लगाए, ओके ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी अब आप इसको देखो, इसमें आपको पता है कि यहां से यहां तक मेरा क्या बॉक्स है, साइज क्या है, इसका साइज क्या है, ठीक है, और हमको 5 लगाना है, तो पहले आप इस बॉक्स का ये देख लो कि कितना है, ठीक है, साइज इनटू 5 कर लेंगे, 5 लगाना है ना, तो आपको बॉक्स का पूरा साइज मिल गया, ठीक है, और इसका साइज मिल गया आपको, नहीं दोनों साइज मिल गया, माइनस कर दोगे तो जो आएगा उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला साइज 200 है, ये यहां से साइज जो है इस बॉक्स का 200 है, ठीक है, और इसका साइज मान लो 50 है या 30 है, तो कितना हुआ, 150, 150 हुआ, नहीं हुआ। अब 150, 200 माइनस 150, कितना हुआ, 50 हो गया। अब 50 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 6 से, डिवाइड बाय 6। अब जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट का गैप हो जाएगा, क्लियर हो गया, और इसको लगा देना है यहाँ पे, कोई दिक्कत, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट पता है कि कितने ऑब्जेक्ट लगाने, कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता होंगे, जैसे कि हम लोग अभी आरएस वाला काम किए, उसमें हमको ये नहीं पता था कि कितने ऑब्जेक्ट लगेंगे,
तो उसके लिए हमने क्या किया था, सीधा उसको डिवाइड कर दिया था, तो हमको पता चला कि इसमें 18.5 ऑब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है। फिर हम लोग उसको माइनस करके उसके गैप को ढूंढे, पता किए, करेक्ट। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया। ये था ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपका काम, ये वाला बीच का काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको बॉक्सेस भी लगाने पड़ सकते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट जब कार्ड आप देखोगे तो आपको जो बीच का ये वाला काम है इसमें जरूर जरूरी नहीं है कि क्लिप आर्ट ही हो, बॉक्स भी हो सकता है, ऐसे सीधा सीधा भी लगाया जा सकता है, तो आपको देख के काम करना है, ठीक है। लेकिन होगा ऑब्जेक्ट अलाइन से ही, ओके। तो अभी उम्मीद करें ये काम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अलाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है।